everyone, you're watching Food, Fitness and Fun or main hoon dietitian Manju Malik. So a healthy diet is not just about what we eat but also what we drink. In fact, क्या हम लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं या फिर क्या हम ड्रिंक कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ऑन हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट आवर मेटाबॉलिज्म. सो हमारी बॉडी किस तरह डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट हो सकता है, कैसे हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से बच सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उनको ज्यादा अच्छी तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उन कैलोरीज को जो हमने कंज्यूम किया है कैसे हम अपने मेन फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन व्हाट वी ड्रिंक. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक पिछले 3-4 सालों से कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो मैंने ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड किए हैं और ऐसे ही 3 ड्रिंक्स के बारे में आज मैं बात करूंगी जिन्हें मैं ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर रही हूँ. सो जो 3 ये ड्रिंक्स हैं वो है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, माय आफ्टरनून हर्बल टी दैट ऑल्सो कीप्स चेंजिंग एज पर दिस सीजन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा बेड टाइम या इवनिंग ड्रिंक. सो मॉर्निंग के ड्रिंक की बात करूं और एज पर सीजन अगर मैं बात करूं तो विंटर्स में वी ऑल नो कि हमारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है. साथ ही ये सीजन होता है जहां आपकी स्किन और आपके हेयर भी इफेक्ट होते हैं, यहां पर मीठा भी बढ़ जाता है. वी ईट दोज लड्डूज, दोज पिन्नीज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ, इस सीजन में उनकी जरूरत होती है हमें, लेकिन कैसे उनके साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं, किस तरह हमारे दिन की शुरुआत होती है, क्या पहली चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है. सो मॉर्निंग ड्रिंक की अगर मैं बात करूं तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल मैं कौन सा मॉर्निंग ड्रिंक कंज्यूम कर रही हूँ. ये मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट देता है दिन का. इट हेल्प्स मी क्लींस माय सिस्टम, इट हेल्प्स मी इम्प्रूव माय मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प्स मी रिड्यूस क्रेविंग. सो द फर्स्ट ड्रिंक दैट आई कंज्यूम विद इन माई फास्टिंग विंडो इज माई मॉर्निंग ड्रिंक, जो मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ. And it is nowadays apple cider vinegar. And which brand I use? This is Kapiva's apple cider vinegar with Garcinia. So, ये जो apple cider vinegar है, it is unfiltered, unpasteurized apple cider vinegar infused with Garcinia. और ये प्योर है बिकॉज इसके अंदर मदर है. सो मदर जो होता है बेसिकली जो स्ट्रैंड्स आपको दिखते हैं जब आप इसको हिलाते हैं, सो दो स्ट्रैंड्स आर बेसिकली द एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर होते हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड एप्पल साइडर विनेगर भी आता है लेकिन उसके कोई फ़ायदे नहीं होते. ऑलवेज गो फॉर प्योर अनफिल्टर्ड अनपेस्चराइज्ड एप्पल साइडर विनेगर और इसके अंदर हिमालयन एप्पल का इस्तेमाल किया गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव बीन यूजिंग कपीवाज प्रोडक्ट फॉर सो लॉन्ग एंड दिस इज माई लेटेस्ट एडिशन. सो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अ लॉट ऑफ पीपल गेन वेट, लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही थी. बट देन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट दिस न्यू ईयर ऑन अ हेल्दी नोट एंड यू वॉन्ट टू बी इन गुड शेप, सो मेक श्योर टू इंक्लूड अ गुड मॉर्निंग ड्रिंक इन योर डाइट. एंड कपीवाज एप्पल साइडर विनेगर विद गार्सेनिया इज वन सच प्रोडक्ट विच आई वॉन्ट टू रिकमेंड बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इट ब्रेक डाउन फैट एंड प्रिवेंट फैट एक्यूमुलेशन. सो अननेसेसरी का जो फैट एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी के अंदर होता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं. उसको कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दोनों ही जो प्राइम इंग्रेडिएंट हैं इसके दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर और गार्सेनिया बहुत यूजफुल होते हैं. सो दो वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके ये एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग रहा है. अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो एप्पल साइडर विनेगर और गार्सेनिया के बेनिफिट ये हैं कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपके डाइजेशन को हेल्प करते हैं, एड करते हैं बिकॉज इनके अंदर हेल्दी एंजाइम्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं बेसिकली जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. दे सपोर्ट वेट लॉस, क्रेविंग्स को रिड्यूस करने में ही हेल्प करता है. इट लोअर डाउन कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है. गार्सेनिया जो है इसकी इस पूरे ड्रिंक की जो एफिशिएंसी है, जो पोटेंसी है उसे इंक्रीज करता है. इट आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन. एप्पल साइडर विनेगर का जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ दी सिट्रिक एसिड जो इसके अंदर होता है जो इसके हेल्थ बेनिफिट से अटैच्ड है, वहीं गार्सेनिया के अंदर होता है हाइड्रो ऑक्सी सिट्रिक एसिड दैट इज़ HCA. सो हाइड्रो ऑक्सी सिट्रिक एसिड जो होता है वो भी बहुत ही इफेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस और वेट लॉस और वो भी फैट के एक्यूमुलेशन को रोकता है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय कपीवाज एप्पल साइडर विनेगर प्लस गार्सेनिया तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. इसे बनाना बहुत आसान है, सिंपली आपको बॉटल को शेक करना है और फिर डायल्यूट करना है
5 to 10 ml of this drink in a glass of water. और इसे मिक्स करके आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है। आई प्रेफर कि मैं इस ड्रिंक को स्ट्रॉ से कंज्यूम करूं, बिकॉज सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपकी टूथ एनामल को इरोड कर सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे नॉर्मली भी अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो जस्ट रिंस योर माउथ। मैं इसे स्ट्रॉ से प्रेफर करती हूँ एंड देन उसके बाद भी मैं माउथ को रिंस करती हूँ। नेक्स्ट चीज जो है वो है मेरा आफ्टरनून ड्रिंक, दैट इज अ हर्बल टी दैट आई ड्रिंक आफ्टर माय लंच जो होता है उसके बाद कई लोग बहुत ज्यादा टायर्ड एंड लो ऑन एनर्जी फील करते हैं एंड दैट इज द टाइम अराउंड 2:30-3 o'clock, दैट टाइम यू नीड अ बूस्ट ऑफ एनर्जी। सो ये जो मेरा हर्बल टी का जो मैंने स्टार्ट किया था कल्चर, इट कैन बी इन बेसिक हर्बल टी, अ मिक्स ऑफ जिंजर, क्लोव एंड ब्लैक पेपर। कई बार मैं इसमें, सो आई हैव ट्राइड लेमन ग्रास, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन आजकल जो मैं ड्रिंक कर रही हूँ, चलिए उसकी भी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। सेकेंड जो मेरा इंपॉर्टेंट ड्रिंक है, ड्रिंक नंबर 2 इज द हर्बल टी विच आई कंज्यूम पोस्ट लंच। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ जो आजकल मैं कंज्यूम कर रही हूँ। थोड़ा जिंजर है, आधा चम्मच फेनल सीड्स हैं, 2 ब्लैक पेपर, 2 क्लोव, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर है, 1 कार्डमम, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ग्रीन टी के लीव्स लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं टी बैग्स बहुत कम यूज़ करती हूँ, आई अवॉइड बिल्कुल जितना हो सके, एंड आई प्रेफर होल ग्रीन टी के जो लीव्स आते हैं, बिकॉज उनकी जो पोटेंसी होती है वो हाई होती है, दे आर मोर न्यूट्रिशियस, उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो रफली मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को क्रश कर रही हूँ, मैंने सिनेमन और ग्रीन टी को क्रश नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स हैव बीन क्रश्ड इन द मोर्टर एंड पेस्टल। उसके बाद 2 कप पानी, तो ये 2 लोगों की सर्विंग है, 2 कप पानी मैंने ऐड किया है एक पैन में। सारा क्रश जो मेरा स्पाइस का मिक्सचर था मैंने ऐड कर दिया है, इसे मैं हीट पर रखूंगी और इसे बॉयल आने दूंगी। एक बॉयल आने के बाद थोड़ा सिमर करूंगी ताकि ये अच्छी तरह और इन्फ्यूज़ हो जाए, एंड देन इन द एंड जस्ट बिफोर स्विचिंग ऑफ द हीट मैंने ग्रीन टी और सिनेमन ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे कवर करके इन्फ्यूज़ करूँगी फॉर फ्यू मोर मिनट्स। स्ट्रेन करके मैं इसे वार्म इन्जॉय करती हूँ एज माई पोस्ट लंच ड्रिंक, जब मैं अपना काम करने बैठती हूँ। और अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो आपने खाना खाया है लंच में उसके डाइजेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प बूस्ट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी को, मूड को बूस्ट करता है, हेल्प्स इन क्लिनजिंग। अगर कोई भी आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं खाने के बाद, जैसे ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन के अलावा एसिडिटी है, तो उसमें भी ये रिलीफ दिलाता है, सपोर्ट करता है वेट लॉस को। विंटर के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक है, साथ ही ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इस टाइम मैं बैठ के अपना काम करती हूँ, आई वर्क ऑन माई वीडियो, सो आई वॉन्ट माई ब्रेन टू बी अलर्ट एंड आई वॉन्ट माई एनर्जी टू बी अप, एंड ऑल्सो मूड को भी अच्छा रखता है। लास्ट जो ड्रिंक है दैट इज द थर्ड ड्रिंक ऑफ द डे, वो मेरा फेवरेट ड्रिंक है टू ड्रिंक बिकॉज इट्स वेरी फिलिंग एंड इट्स डिलिशियस टू टेस्ट, मैं उसे पूरी तरह रिलिश करती हूँ, एंड दैट इज माई बेड टाइम ड्रिंक। एक
फ्लेवरफुल मिल्क होता है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है, यू कैन से इट कैन बी अ चॉकलेट मिल्क, इट कैन बी आमंड मिल्क, लेकिन जो मेरा फेवरेट है इस सीजन के लिए दैट इज टर्मरिक मिल्क। गाजर का दूध की रेसिपी मैंने आपको दिखाई है, पीनट बटर दूध की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, मैंने आपके साथ इस तरह आप बेसन के दूध से शीरा बना सकते हैं जो थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है, सारे मैंने फ्लेवर्ड मिल्क की रेसिपी शेयर की है, लेकिन मेरा जो फेवरेट दैट इज दी टर्मरिक मिल्क, वो है हल्दी का दूध। चलिए उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ हल्दी नहीं जाती, इसके अंदर जाते हैं कुछ हर्ब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स की हेल्थ के लिए, इसके अंदर जाता है शतावरी, इसके अंदर जाता है ब्लैक पेपर, कुछ और हर्ब्स जाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी भी देखते हैं। लास्ट ड्रिंक होता है फ्लेवर्ड मिल्क। मैंने आपसे सारे ड्रिंक्स जो मैंने शेयर की हैं डिस्कस कर दिए, लेकिन मेरा फेवरेट है हर्बल टर्मरिक स्पाइस्ड मिल्क। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो है होम मेड रेडी टू यूज टर्मरिक स्पाइस्ड मिक्सचर। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिलाकर ये ड्रिंक बना है। इसके अंदर आमंड्स भी हैं यानी बादाम है, और साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऑलिव सीड्स यानी बहुत थोड़ी अमाउंट में ऑलिव सीड्स सोक करके पानी के अंदर ऐड करती हूँ। जैसे ही आप इन्हें पानी के अंदर ऐड करेंगे ये स्वेलअप हो जाते हैं, जेल का फॉर्म ले लेते हैं। ऑलिव सीड को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा फ्लैक्स सीड के साथ, दीज आर नॉट फ्लैक्स सीड्स, दीज आर नॉट मस्टर्ड सीड्स, दीज आर ऑलिव सीड्स जो हालिम सीड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एक कप मैंने डेयरी मिल्क लिया है। आई विल सिंपली एड ऑल दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स इन अ पैन और मैं हीट पर रख दूंगी। जब ये हीट हो जाएगा थोड़ी देर सिमर करूंगी, रिड्यूस करूंगी, एंड माय हेल्दी डिलिशियस बेड टाइम और इवनिंग ड्रिंक इज रेडी टू बी कंज्यूम्ड। मैं इसे एंजॉय करती हूँ वार्म व्हाइल रीडिंग अ बुक। तो ये थे वो तीन ड्रिंक्स जो मैं ऑन अ डेली बेसिस अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करती हूँ, दैट हेल्प्स मी स्टे फिट, दैट हेल्प्स मी लूज एंड मेंटेन माय वेट, मेरे मेटाबॉलिज्म को, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड अगर आप भी इन्हें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।